यस डियर स्टूडेंट्स, आज ट्वेल्थ का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है तो करंट जनरेट करता है, तो इस करंट के कारण इसको ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी बुक में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के नाम से है और कुछ बुक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से ये टॉपिक है, नया टॉपिक है बिल्कुल। अब से पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जब स्टेशनरी था तो उसकी स्टडी की, बहुत सारे फिनोमेना स्टडी किए। जब चार्ज मोशन में आया तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी नाम से हमने टॉपिक पढ़े, उससे रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा। और अब उस मूविंग चार्ज के कारण जो करंट जनरेट हुई है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, तो ये अब पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से 200 साल पहले ओर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले करंट, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म, इनके बीच इंटरेक्शन को ऑब्जर्व किया। वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट कर तो कुछ और रहे थे लेकिन वहाँ उन्होंने मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। कैसे वो देखते हैं एक बार। वो अपने किसी सर्किट में करंट फ्लो करा रहे थे, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर था, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस तरह से फ्लो हो रही थी। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ही यहाँ पे एक कंपास नीडल रखी हुई थी, जिस कंपास नीडल का नॉर्थ पोल पहले इधर और पहले इस साइड था नॉर्थ पोल। जैसे ही करंट फ्लो हुई तो ये जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ को डिफ्लेक्ट हुआ, इस तरह से आ गई उसकी नीडल। तो उन्होंने देखा कि आसपास कोई मैग्नेट तो थी नहीं, तो फिर ये मैग्नेटिज्म का इफेक्ट देखने को क्यों मिला, क्योंकि कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट हो सकती थी। तो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था तब तक तो ये डिफ्लेक्टेड नहीं थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन को अपोजिट किया। जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो इसका डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो गया, ये नॉर्थ पोल इधर की बजाय अब की बार इधर को डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहां से कंफर्म हो गया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके आसपास, और यहां से एक नई फिजिक्स की शुरुआत हो गई, या कह दीजिए कि फिजिक्स के अच्छे दिन आने शुरू हो गए। तो यहां से अब और साइंटिस्ट लोगों ने भी इस पर काम करना शुरू किया। ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में जब लोगों को जानकारी मिली होगी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, तो उन्होंने भी अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। तो पहले इसकी डायरेक्शन पे कुछ लोगों ने विचार किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हुआ है तो उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें। तो यहाँ पे एम्पियर, जी हाँ वही एम्पियर जिसके नाम से हम करंट की यूनिट जानते हैं, तो एम्पियर ने इसके बारे में एक रूल दिया, एम्पियर स्विमिंग रूल, डायरेक्शन के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाए। तो रूल इस तरह से बनाया गया कि अगर किसी कंडक्टर में किसी तैराक के फीट से और उसके हेड की तरफ फ्लो हो रही हो, आदमी की स्विमिंग कंडीशन है, ये स्विमिंग रूल है, आदमी इस तरह से स्विम कर रहा हो कि करंट उसके फीट से लेके पैरों से लेके और सिर की तरफ को बह रही हो, और कंडक्टर उसके नीचे हो, उसके फेस के सामने हो, और फिर कंडक्टर के दूसरी तरफ ये कंपास नीडल रखी हो, तो कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट होगा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर मैं ये हैंड्स के बना देता हूँ, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड की तरफ ये डिफ्लेक्ट हुई है इस तरह से लेफ्ट साइड में। अगर करंट ऐसे बहती और स्विमर इस तरह से स्विम करता कि उसके फीट से लेके और हेड की तरफ करंट फ्लो होती, तो यहां पे हेड है तो यहां पे ये लेफ्ट हैंड हुआ, ये राइट हैंड हुआ, तो यहां जो कंपास नीडल होती उस कंपास नीडल का यह नॉर्थ पोल इस लेफ्ट हैंड की तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाता इस तरह से, नॉर्थ पोल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता। तो इस तरह से इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिसाइड करने का ये स्विमिंग रूल आया, इसी को स्नो रूल के नाम से भी जानते हैं।
यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा जो स्विमर था वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था, S4 साउथ N4 नॉर्थ। अगर डायरेक्शन के हिसाब से इसको देखा जाए तो अगर स्विमर साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रहा है, वो स्विम कर रहा है, और जब वो अपने हैंड्स की पोजीशन देखेंगे तो लेफ्ट हैंड उसका वेस्ट साइड पे आएगा, तो इसकी कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर डायरेक्शन के हिसाब से कहें साउथ नॉर्थ वेस्ट, और हैंड्स वगैरह और फीट की टर्म में कहें तो लेफ्ट हैंड की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करंट की उसकी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए कुछ रूल भी आने लगे। अब इससे आगे बढ़े और साइंटिस्ट लोगों ने भी इस पर काम करना शुरू। दो साइंटिस्ट थे, बायो एंड सेवर्ट, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लॉ के रूप में उस एक्सपेरिमेंट को के रिजल्ट को दिया, और उस लॉ का नाम था बायो सेवर्ट्स लॉ। और ये बायो सेवर्ट लॉ इतना यूजफुल साबित हुआ कि इसकी हेल्प से हम आगे के बहुत सारे डेरिवेशन डेराइव कर पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या था उनका, कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसके एक छोटे से एलिमेंट को उन्होंने स्टडी के लिए लिया। डी से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट, मान लीजिए ए है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इसकी डिस्टेंस इस एलिमेंट से आर ले ली गई, और इस एलिमेंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के बीच अगर एंगल थीटा था तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, एलिमेंट बहुत छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी बहुत छोटा मानते हुए डी बी से डिनोट करते हैं। बी जो सिंबल है वो मैग्नेटिक फील्ड का है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकाले उनको आपस में उनको कंबाइन करके एक लॉ का रूप दिया। तो इसके बारे में क्या था बायो सेवर्ट लॉ में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स थे वो जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से पता किए? फर्स्ट था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट पे वो करंट की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट में पाया उन्होंने। करंट की स्ट्रेंथ जितनी जिस रेशो में बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी रेशो में स्ट्रांग हो जाएगा। सेकंड, कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस एलिमेंट की लेंथ के, एलिमेंट जितना छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही वीक होगा, एलिमेंट जितनी ज़्यादा लेंथ का होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा का होना चाहिए। थर्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस एंगल के साइन के, एलिमेंट और एलिमेंट से जोड़ने वाली लाइन उस पॉइंट को उनके बीच जो एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा। और लास्ट पार्ट था कि ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्टेंस के इनवर्स के, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। तो अब इनको कंबाइन करके एक लॉ का रूप दिया गया, इनको कंबाइन करके लिखा जा सकता है कैसे, कि डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा, जिनके प्रोपोर्शनल हैं वो सब मल्टीप्लाई में हुए, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनको इस तरह से लिया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये आया कांस्टेंट। ये कांस्टेंट यहाँ पे दोनों के बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है, करंट कैरिंग वायर और उस पॉइंट के बीच में क्या मीडियम है, और हमने ये जो पैरामीटर्स हैं करंट, ये लेंथ, ये डिस्टेंस, ये किस यूनिट में यूज किए हैं उन पे भी डिपेंड करता है। यानी एम के एस सिस्टम में लिया है तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, सी जी एस सिस्टम में लिया है तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, उनके बीच में मीडियम कुछ और लिया है तो भी चेंज हो जाएगी। यानी ये वेरिएबल कांस्टेंट है, और इन एम के एस सिस्टम के की वैल्यू जो है वो होती है म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, जिसकी वैल्यू हो जाती है 10^-7। अभी यूनिट बताएंगे, यूनिट पे विचार करेंगे अभी। और इन सी जी एस सिस्टम इस के की वैल्यू हो जाती है 1। अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर एम के सिस्टम में म्यू जीरो जो है, म्यू जीरो होता है इस मीडियम जो इनके बीच है, जीरो स्टैंड्स फॉर वैक्यूम, तो म्यू जीरो जो है ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी हुई इनके बीच की, इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। और क्योंकि जीरो स्टैंड्स फॉर वैक्यूम तो ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी हुई, अगर वैक्यूम ना होता तो फिर जीरो हम हटा देते हैं यहाँ से। तो फिलहाल जैसे परमिएबिलिटी मीन्स होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो से जनरेट होगा वो इस मीडियम को किस एक्सटेंट तक पेनेट्रेट कर सकता है, यानी उस मीडियम में किस एक्सटेंट तक एंटर कर सकता है, कितना स्ट्रांगली उस मीडियम में प्रोपेगेट कर सकता है, तो ये होती है परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में याद होगा ऐसा एक सिंबल पड़ा था एप्सिलॉन जीरो, उसको बोलते थे वहाँ परमिटिविटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उस मीडियम की परमिटिविटी होती थी जिस मीडियम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते थे। तो चलिए, तो इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो अगर मैं वैक्यूम में अपने इस फॉर्मूले को लिखता हूँ तो ये हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ओरस्टेड के एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से जो फिजिक्स निकली उसको आगे बढ़ाते हुए बायो और सेवर्ट दो साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह से उस फील्ड की किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंस है उनको सबको एक फॉर्मूले के रूप में एस्टेब्लिश किया और जो बहुत ही यूजफुल रहा आगे के लिए। आगे बहुत सारे डेरिवेशन इसी बेस पे हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात ये बता दें कि बहुत छोटे एलिमेंट को यूज किया गया है इसलिए इसको हम लेबोरेटरी में इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। एलिमेंट बहुत छोटा है, इतना छोटा एलिमेंट लेना संभव ही नहीं। तो खैर एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया इसकी डायरेक्शन किधर पर होगी। हालांकि स्विमिंग रूल में डायरेक्शन के बारे में कुछ बात हो गई थी लेकिन यहाँ अगर डायरेक्शन ली जाए उसी हिसाब से कि वही कोई स्विमर देखा जाए, स्विमर का लेफ्ट हैंड राइट हैंड यहाँ कंपास नीडल रखी जाए। अब इसके एक ही साइड तो ये पॉइंट है नहीं, आर डिस्टेंस पे चारों तरफ आर डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। आर ई डिस्टेंस पे मैं इधर पॉइंट मान लेता हूँ तो यहाँ डिस्टेंस वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। चारों तरफ अलग आर डिस्टेंस पे मानिए ये मेरा कंडक्टर है और इसके चारों तरफ मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, ठीक इसके यहाँ पे नहीं परपेंडिकुलर नहीं तिरछा एंगल पे। तो फिर डायरेक्शन पे क्या डिसाइड किया जाए, तो इसके लिए फिर दूसरा रूल सामने आया वो था राइट हैंड थंब, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या था कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं किसी पॉइंट पे तो हम राइट हैंड को इस तरह से फैलाएं कि हमारा अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन में रहे और उंगलियां उस पॉइंट की तरफ हम फैला दें जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमारी हथेली का जो परपेंडिकुलर होगा उसकी डायरेक्शन ही वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं इस ए पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन पे विचार करता हूं तो मेरी हथेली का परपेंडिकुलर इनवर्ड्स है, अंदर की ओर है बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो बोर्ड के परपेंडिकुलर फील्ड की डायरेक्शन का एक सिंबल यूज करते हैं इस तरह से क्रॉस के रूप में। तो इस ए पॉइंट पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड्स। अगर मैं वायर के इस साइड यानी लेफ्ट साइड एक पॉइंट ले लेता हूँ, कोई पॉइंट सी ले लेते हैं मान लीजिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो तरीका वही रहेगा कि अपने राइट हैंड को इस तरह से फैलाइए कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा हो जाए, उंगलियाँ उस पॉइंट की तरफ फैला दी जाएँ। तो अब मेरी अंगूठी का हथेली का परपेंडिकुलर जो है वो बाहर की ओर होगा और बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने का सिंबल होता है ये। सर्किल के अंदर एक डॉट लगा दीजिए वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आउटवर्ड शो करेगा। तो इस तरह से बायो सावर्ट लॉ से एक फॉर्मूले के रूप में भी हमें मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने का एक तरीका मिला। डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। अब बायो सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, और लिखना चाहिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे विचार हो चुका है तो फॉर्मूले में भी तो इसकी डायरेक्शन का हमें इंडिकेशन मिल जाना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन से मैं लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। चलिए करते हैं वेक्टर फॉर्म और बायो सावर्ट लॉ। देखिए बायो सावर्ट लॉ का फॉर्मूला हम इस तरह से लिखा गया था म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी बनाना चाहता हूं तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसको उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए जिस डायरेक्शन का मैं इसके वेक्टर बनाना चाहता हूं। अगर उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एन कैप है तो ये उस डायरेक्शन का हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कि डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसमें कोई मैथमेटिकली कोई डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं है। अब डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा आर एन कैप और नीचे लिख देता हूँ आर क्यूब। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी बनी है इसको हम डी एल क्रॉस आर लिख सकते हैं क्या? चलिए मैं इधर बताने की कोशिश करता हूँ। हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था इलेवंथ क्लास में, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर। बी को बाद में जाकर लिख सकते हैं ए साइन थीटा बी एन कैप और ये वही फॉर्म है। ये दो वेक्टर थे ए और बी, ये दो वेक्टर थे ए और बी जिनके मैग्नीट्यूड थे ए एंड बी, चाहे अगर पीछे लिख लो। उसी तरह से ये दो वेक्टर होंगे डी एल और आर, ये इनके मैग्नीट्यूड है अभी, ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई उसी तरह से हो रखा है। तो अगर इसको ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है तो ये हमारी वही डी एल क्रॉस आर लिखी जा सकती है। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो डी बी इक्वल टू म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। बस ये ध्यान रखना है कि जब ये स्केलर फॉर्म में था, मैग्नीट्यूड फॉर्म में था, तो नीचे आर स्क्वायर एक पावर थी और वेक्टर फॉर्म में आर की पावर थ्री, जरूर ध्यान रखेंगे। कई बार गलती होती है कि आर स्क्वायर ध्यान रह जाता है। अब इसको और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है बायो सावर्ट लॉ को। करंट है जिस एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही थी उस करंट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हेल्प से इस करंट को हम करंट डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बायो सावर्ट लॉ को करंट डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी देखिए डी बी इक्वल टू म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई, इस वाले लाइन से ही लेकर चलता हूं,
आसान पड़ेगा, तो म्यू 0.4 पाई आई को उस करंट एलिमेंट, ये जो करंट एलिमेंट था मेरा यहाँ पे, इसकी लेंथ हमने डीएल ली थी, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये सामने से अगर ए होगा तो उस एरिया क्रॉस सेक्शन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया और आगे डीएल साइन थीटा आर एन कैप ऐसे ही रखा और अपॉन आर क्यूब ये। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा कि आई अपॉन ए को तो मैं करंट डेंसिटी जे लिख सकता हूँ, म्यू 0.4 पाई ये होगी करंट डेंसिटी जे, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है आप लोग जानते हैं। ए इंटू डीएल क्या हो जाएगा, इस करंट एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा, बहुत छोटा सा वॉल्यूम क्वांटिटी में, तो डी वी कह सकते हैं, इंटू साइन थीटा आर एन कैप अपॉन आर क्यूब। अब वॉल्यूम तो वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे साइन थीटा आर एन कैप को मैं जे क्रॉस आर लिख सकता हूँ उसी तरह से जैसे पहले बताया गया था ये, तो जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब और ये वॉल्यूम यहाँ लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरह से बायो सेवर्ट लॉ को इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बायो सेवर्ट लॉ को जिस चार्ज क्यू के फ्लो होने से ये करंट फ्लो हो रही है उस चार्ज और उसकी वेलोसिटी की टर्म में भी हम लिख सकते हैं, तो बहुत छोटा सा चेंज होगा, मैं इसको कर देता हूँ। चलिए ये मेरा फर्स्ट पार्ट था वेक्टर फॉर्म का, ये सेकंड पार्ट मान लेते हैं और थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज क्यू एंड इट्स वेलोसिटी वी। तो फिर यही से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, बिकॉज डी बी इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई को क्यू अपॉन डी टी लिखा जा सकता है। इस एलिमेंट को उस चार्ज को फ्लो होने में एलिमेंट के थ्रू बहुत थोड़ा टाइम लगा होगा वी स्पीड से, तो वो वी स्पीड को जिससे करंट जनरेट आई हुई होगी तो आई को हम क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। वो चार्ज क्यू इस एलिमेंट में को पास होने में उसने केवल डी टी टाइम लिया होगा, वो छोटा सा एलिमेंट है। आगे फिर वही डी एल साइन थीटा और आर एन कैप अपॉन वही आर क्यू। तो डी बी इक्वल टू क्या हुआ म्यू 0.4 पाई डी एल अपॉन डी टी। यहाँ पे अगर कंसिडर कर लें हम डी टी को डी एल के साथ लें तो डी एल अपॉन डी टी हो जाएगा वी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये हो जाएगा क्यू वी साइन थीटा आर एन कैप अपॉन आर क्यूब। तो ये हो जाना चाहिए म्यू 0.4 पाई। अब चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो अब की बार इन तीनों को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, तो क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये हमारी बायो सेवर्ट लॉ की थर्ड फॉर्म हो गई। तो इस तरह से बायो सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में तीन तरह से लिखा जा सकता है, एक इस तरह से करंट की टर्म में, दूसरा करंट डेंसिटी की टर्म में और तीसरा चार्ज और उसकी वेलोसिटी की टर्म में। इस पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं बायो सेवर्ट लॉ पे बेस्ड और क्लियर हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल लेता हूँ, कोई छोटा सा एलिमेंट है एन एलिमेंट डीएल जिसकी वैल्यू दी गई है डी एक्स आई कैप, आई कैप है तो इसका मतलब कोई वेक्टर फॉर्म में दिया है और ये वेक्टर हमारा जो एलिमेंट है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, आई कैप शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है ये। तो एन एलिमेंट डीएल इक्वल टू डी एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर रखा हुआ है कैरिंग करंट फाइव एम्पियर मान लेते हैं। इस करंट एलिमेंट में करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रही है एंड dx की वैल्यू जो दी गई है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, एंड dx की वैल्यू दी है हमें 1 सेंटीमीटर, करंट 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन दिस एलिमेंट, 5 एम्पीयर मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, फाइंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस। इस एलिमेंट से वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, अलोंग एक्स एक्सिस एलिमेंट रखा हुआ है और अलोंग वाई एक्सिस इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। अगर डायग्राम बना के समझा जाए तो इस तरह से एलिमेंट रखा हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस ओरिजिन पे, ओरिजिन होता है जहाँ तीनों एक्सिस अपनी इंटरसेक्ट करती हैं, 0 0 0 ओरिजिन हुआ। एलिमेंट की लेंथ डीएल की वैल्यू दी गई है डी एक्स आई और वाई एक्सिस ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो जाएगी। वाई एक्सिस पे 20 सेंटीमीटर पे यानी आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर जो हम आर की वैल्यू रखेंगे वो 20 सेंटीमीटर दी है, यहाँ किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है डी बी। तो सॉल्यूशन करते हुए गिवन में लेते हैं, गिवन में क्या है डीएल इक्वल टू डी एक्स आई कहा है और डी एक्स की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे एम के सिस्टम में, तो डीएल की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 × 10^-2 इंटू आई के। बायो सेवर्ट लॉ में जब डीएल की वैल्यू रखी जाएगी जो वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, वेक्टर फॉर्म में दिया है हमें इसलिए वेक्टर फॉर्म में रखना है। उसके बाद
जो डिस्प्लेसमेंट है, जितनी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, तो आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इसका हमें मीटर बना लेना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में मुझे आर को भी वेक्टर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, जो बायो सेवर्ट लॉ का मैं वेक्टर फॉर्म यूज करने वाला हूँ। तो अगर मैं आर को वेक्टर बनाता हूँ तो क्योंकि आर अलोंग वाई एक्सिस हमें दिया हुआ है, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो होगा उससे मल्टीप्लाई करके इसका वेक्टर बना लेंगे, यानी ये हो जाएगा जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आई की वैल्यू हमें दी हुई है 5 एम्पियर, देयरफोर मैग्नेटिक फील्ड तो सीधा बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करते हैं, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमें डेटा दिए हुए थे तो वेक्टर फॉर्म से ही आसान पड़ेगा निकालना, अपॉन आर क्यूब। सबकी वैल्यू रखी, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 10^-7, आई 5 एम्पियर, डी एल की वैल्यू हमने निकाल ली थी वेक्टर फॉर्म में, ये 1 × 10^-2, आई कैप उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है आर वेक्टर की, ये हमने उसको भी वेक्टर बना लिया था, 20 × 10^-2 जे कैप, और नीचे फिर आर की वैल्यू रखी, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, इसको बगैर जे के ऐसे रखेंगे। चलिए इधर इस जगह का यूज कर लेते हैं, तो क्या आ गया, डी बी इक्वल टू 10^-7 × 5 × यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स में होती है, ये जो स्केलर क्वांटिटी हैं जो इनकी मैग्नीट्यूड्स हैं उनको तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही, तो 20 की 1 से मल्टीप्लाई होके तो 20 तो वैसे ही हो गया, और 10^-2 10^-2 या ऐसा करते हैं, अभी मल्टीप्लाई मत करिए, 20 10^-2 नीचे भी है, तो एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, 1 × 10^-2 और 20 × 10^-2 इनकी सिंपल मल्टीप्लाई, और आई और जे की है क्रॉस प्रोडक्ट, और नीचे हमारे पास है 20 × 10^-2 इसकी पावर 3। यहाँ में ये फायदा हुआ कि 20 × 10^-2 यहाँ पे सिंगल पावर है इसकी और यहाँ पे 3 पावर हैं, तो ये 2 पावर कट के नीचे आ जाएंगी इस तरह से, बाकी ऊपर क्या रह जाता है वो देख लेते हैं एक बार, 5 1 और कुछ नहीं है इनकी मल्टीप्लाई, तो 5 × 10^ क्या रहेगी ऊपर -9, नीचे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 10^-2 का 10^-4, आई क्रॉस जे की वैल्यू हो जाएगी के, क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ रखा है कि अगर आई जे के हम एक सर्किल पे मान लें इस तरह से, तो क्रॉस प्रोडक्ट आई और जे की अगर एरो की डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट हो रही होगी तो उसका पॉजिटिव के आंसर आ जाता है, जे क्रॉस के की वैल्यू होगी तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई होगी तो जे आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होते जे क्रॉस आई होता तो माइनस के आ जाता, तो इस तरह से यहाँ पॉजिटिव क्या आ जाएगा, और एक बार इनको एडजस्ट कर लेते हैं, 5 × 10^-9 और नीचे 4 की 2 जीरो को इसको 10^-4 को दे तो इस तरह से हो जाएगा, और आप बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 1.25 × 10^-7 ये आ जाना चाहिए। के और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपने पढ़ रखी होगी, 9/10 में आ जाती है, टेस्ला होती है, इसको मैं भी समझाऊंगा बाद में। तो इस तरह से अगर हम बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो डायरेक्शन के साथ हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का आंसर दे देगा। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।